गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विद न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो गाइज, नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो मैंने निकाली है अपने लिए ये येलो कलर की साड़ी। तो आज हम जा रहे हैं गाँव, तो मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स में आगे दिखाती रहूँगी कि हमारा गाँव कहाँ है। मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तैयार होके आपको मिलते हैं, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी मैं महेंद्र भैया को फ़ोन देके आपको पूरा अपना लुक दिखाती हूँ। चलो फटाफट चलते हैं, मुझे बाहर वेट कर रहे हैं, मेरे लिए लेट हो रहे हैं। चुकी हूँ, फटाफट जल्दी से एक क्लिप बना रही हूँ क्योंकि मैं दोबारा बना नहीं पाऊँगी। चलो आप लोगों को मिलते हैं, चल के बाय बाय। हेलो गाइस, मोनी मैं हेलो बोलना कब छोड़ूंगी। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं। मैं आपको बोल रही थी ना, ये बाहर खड़े हैं, और जब भाई आपका हस्बैंड तैयार होके बाहर खड़े हो जाए ना, रेडी होके, तो आप भूल जाओ कि आपके लिए वो वेट करने वाले हैं। कंटिन्यू हॉर्न दिए जा रहे थे, तो मैं फटाफट से फिर भी मैंने क्लिप ले ली थी। तो आप मोनी से भी मिल लो, मोनी तो मुझे बताना हम कैसे लग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों साथ में रील बनाएं, ठीक है मोनी, अगर हमें कोई बनाने वाला मिला, क्योंकि हम दोनों खेल रही हैं। चलो मिलते हैं बाद में। राम राम भाई सबको, सब कैसे हो, बढ़िया हो? तो आज का तो प्लान बता ही दिया होगा पूजा ने कि कहाँ जाना हो रहा है। तो आज भाई जा रहे हैं हम अपने गांव, क्योंकि थोड़ा सा यार बड़े टाइम हो गया था, मैं अपनी माँ जी से ना मिला था, और फिर उसके बाद चाचा की बेटी है हमारी, छोटी बहन मेरी, वो उसकी थोड़ी तबीयत से ख़राब हो रही है सुनने में आया। तो मैंने कहा यार फिर तो जाना चाहिए, और सोचा मैंने कि जब वहाँ जा ही रहे हैं तो आपको पता ही है जैसे कि शराज चल रहा था, हमने सोची हमारे दही देवता उनके भी हाथ जोड़ाएंगे भाई जाके। तो निकल गए भाई और रास्ते में हैं, और बस पहुँचते हैं, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे पहुँचेंगे जहाँ जहाँ आपको क्लिप दिखाता रहूँगा, ठीक है? और ये तो मैडम ये नहीं साथ में ही है, गाड़ी चला रहा हूँ यार, इसलिए ध्यान ज़्यादा गाड़ी पे है। बाकी जैसे जैसे होता रहेगा अपडेट मैं देता रहूँगा, ठीक है जी? ओके। तो गाइज, ऐसा क्यों होता है, मुझे आज इसका रीजन जानना है कि हस्बैंड कभी भी अपनी बीवी की कोई बात सही मान ही नहीं सकते। मतलब क्यों आप लोगों को ये लगता है कि हमारे पास उतना दिमाग नहीं है? मैंने कट पे चढ़ने से पहले इनको ये बोला कि मुनी ये वाला कट जा रहा है मेरठ और हमें जाना है इस वाले कट पे, बट नहीं, पहले खुला हुआ था रास्ता, अभी बंद हुआ है। मैंने यही बोला इनको, मैंने कहा वो कट बंद कर दिया अभी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सेपरेटेड सेपरेटेड बना दिए है डायरेक्ट रास्ते, तो बंद कर दिया, बट नहीं। तो इनको बहुत खुशी मिली हमें इस गलत कट पे लाने के बाद। आप कुछ कहोगे? कुछ नहीं यार, तो मतलब ज्यादा तो नहीं है, जान के नहीं आए, बट मेरी बात को काट के डिनाय करके आए हैं, ठीक है? तो चलो अब हम वापस यू टर्न लेते हैं। तो गाइज, एक रॉन्ग कट लेने के बाद हमने अपना रास्ता बैक टू सही रास्ते पे हम आ गए, और थैंक यू बोल दो मुझे। मैं इनको सही रास्ते पे वापस ट्रैक पे ले आई, तो लोगों को ये मान लेना चाहिए कि इंसान सही ट्रैक पे बीवी के साथ ही आता है, ठीक है? मोरल ऑफ द व्लॉग, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा मैं ऐसे करके बैक करूंगी, रुको। ये गाइस, मैंने बताया ही था हम गांव जा रहे हैं, मैंने सोचा मैंने अभी तक ब्लॉग में यही नहीं बताया कि हम गांव जा रहे हैं। तो हम गांव जा रहे हैं, तो मैं भी वही की हो गई हूँ, हो गई है, बट फिर पता है लोगों को क्या होता है, बार बार ना फिर हर कोई क्वेश्चनिंग करेगा उसमें, कौन किसके गांव गए थे, आप अपने गांव गए थे, मेरे ससुराल वाले गांव जा रहे हैं, मेरे ससुराल वाले गांव जा रहे हैं। लोग बागी भी कमेंटिंग करेंगे ससुराल का है, कौन सा गांव है, कौन सा गांव है। मैं एंट्री दिखाऊंगी और आप लोग जज करके बताना कि कौन सा गांव है, तो जो सही बताएगा फिर देखेंगे। उसका रिप्लाई कर, रिप्लाई तो हम वैसे कर ही देते हैं सबका। चलो सो गाइस, मैं अपने प्रॉपर बहू वाले लुक में आ चुकी हूँ, क्योंकि हम गांव के अंदर एंट्री करने वाले हैं ना, अभी करने वाले हैं। रास्ता सीधा सीधा जा रहा है हमारे गांव की तरफ, हम पहले घर जा रहे हैं ना, हम सीधा घर जा रहे हैं, अभी एंट्री होगी ना जैसे ही, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारे गांव की एंट्री, अब आप ही लोग देखते रहे ना, मुझे थोड़ा कम ही दिख रहा है, दिखेगा तो यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। किधर? इधर। अच्छा, इधर हमारे दही देवता भी बने हुए हैं।
इसी रास्ते पे मंदिर भी पड़ता है ना आगे, देखते रहो आप लोग। मैंने इसमें सामने वो एलविज भाई बना के लगा रखा है। मैं बन चुकी हूँ अब बिल्कुल टिपिकल मुझे प्यार वो है वो नहीं गाँव वाली बिल्कुल। अब मैं ऐसे देखो गाइस पूजा बैठी हुई है मेरी माँ जी के साथ, बैठ के बाहर तालाब चल रही है बहुत बढ़िया। देखते रहो आगे आगे दे तो दी तो भाई जैसे कि आप सबने देखा आज गांव का विजिट हुआ बढ़िया, अपना बैठे हैं माँ जी के साथ, अपना बातचीत करी बढ़िया। अब निकल गए हैं भाई घर के लिए वापसी, क्योंकि दिन दिन में मैंने था कि यार उजाले में अपना निकट जाऊँ, रात करके अकेले हो तो कोई बात ही ना है, गैल होती है पूजा गुमन की चल थोड़ा सा चल रहा टाइम से, क्योंकि उधर मम्मी भी अकेली है घर पे। तो बाकी बड़ा मजा आया आज, और बाकी तो बाकी हाँ इसने मैडम जी ने गाँव आते इसकी डिमांड देखो, गाँव आते कहती चौमिन खानी है, मैंने की यार मान जा पूजा, मगर क्या करें पूजा तो फिर पूजा ही है ना, क्या कर सकते हैं। बाकी चलो बहुत बढ़िया लगा भाई ये, और टूर अभी कराता हूँ तुम्हें, दिखाता हूँ हमारे खेत वेत बस, बाकी तो हाँ वीडियो बना लेना है जो भी ठीक है, बाकी अब आगे और अपडेट देता हूँ धीरे धीरे बस। बाकी तो वैसे तो घर ही जा रहे हैं बाकी, हाँ मैडम अभी गोलगप्पे खाने रुकेंगी तो देखते हैं, यहाँ के फेमस है हमारे सिकंदराबाद के बढ़िया बहुत फेमस है गोलगप्पे वाला, तो उस पर रुकेगी तो वो क्लिप दिखाता हूँ आपको ठीक है। चलो गाइस ठीक है, ये देखो चटोरी को, चटोरी गोलगप्पे खाती हुई, यहाँ के यार फेमस है हमारे सिकंदराबाद के। तो ये देखो ये गया मुंह में, देख रही है भाई फुल चटोरी है भाई मेरी बीवी, क्या कर सके। अरे भाई अब बस हो गया है सारा, बस ये खा ले जल्दी तो फिर घर को चलें जल्दी से ठीक है जी, और आगे बताता हूँ मिलते हैं जल्दी। देखो देखो फिर से देखो देखो खा तू खा गोलगप्पे, ये देखो देख रहे हो गाइस भाई पहुंच चुके हैं होम स्वीट होम। और बस आज का व्लॉग क्या रहे एंड करते हैं अब, क्योंकि बस की नहीं है आज थोड़ी सा करूंगी मैं। चलो भाई ये बना लेगी मेरे तो, अब बस की है ना बस, क्योंकि थक बहुत गए हैं आज यार काफी हो गया सुबह से निकले हो गए ठीक है। बाकी सबसे मुलाकात होगी जल्दी भाई, ध्यान रखो चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये जा रही है अंदर, मैं अंदर जा रही हूँ ठीक है, कमेंट करना बहुत सारा प्यार देना ठीक है, बाय बाय टेक केयर। तो गाइज मैंने कहा था आपको कि मतलब मोनी एंड कर रहे थे व्लॉग को, बट मैंने एकदम से बोला था कि डिनर डिनर करूंगी तो इन लोगों को दिखाऊंगी, हिम्मत तो नहीं थी, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं अब बैठी हूँ डिनर करने, तो मैं हमारे डिनर में आज दाल मखनी मिक्स वेज और चपाती मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है हमारा डिनर, पापड़ राइस उसमें रोटियाँ इसमें, मेरी प्लेट खाली है, अब मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए मैं अब इस व्लॉग को करूँगी। मोनी ने मुझे तरस खा के मुझे एक रोटी दी है, थैंक यू। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, जल्दी मिलेंगे दूसरे व्लॉग में, तो मिलते हैं जल्दी। इस वाले व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, शेयर करना, कमेंट करना, लव यू ऑल, बाय बाय। Thank you.